जल्द ही देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी एयर इंडिया निजी हाथों में जा सकती है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दो दिन पहले ही इस बात के संकेत दिए थे। एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, निजी हाथों में जा सकती है एयर इंडिया। आखिर वो वक्त आ ही गया जब सरकार ने भारी कर्ज में डूबी सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया से पल्ला झाड़ने का फैसला ले लिया। कल शाम प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में एयर इंडिया में विनिवेश को मंजूरी मिल गई। देश की सबसे पुरानी एयरलाइंस कंपनी में सरकार कितनी हिस्सेदारी बेचेगी और कितनी अपने पास रखेगी, इसका फैसला जेटली की अगुवाई में मंत्रियों का समूह लेगा। सूत्रों से एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार एयर इंडिया में अपना हिस्सा बेचेगी जरूर, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं, ताकि मालिकाना हक अपने पास बना रहे। ये भी संकेत मिल रहे हैं कि किसी विदेशी निवेशक को हिस्सेदारी नहीं बेची जाएगी। सूत्रों का कहना है कि कंपनी के साथ एक भावनात्मक लगाव होने की वजह से सरकार की हिस्सेदारी किसी भारतीय कंपनी को बेची जा सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद विनिवेश के फैसले का ऐलान किया। हालांकि इसके संकेत वो दो दिन पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दे चुके थे। एयर इंडिया को बेचने पर कोई सोच रही है सरकार? क्योंकि ये तो पहले भी सरकार ने घोषणा की है कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो, सिविल एविएशन मंत्रालय इसके ऊपर काम कर रहा है। 14% ग्राहक, 55,000 करोड़ खर्च। वित्त मंत्री जेटली ने एबीपी न्यूज से कहा था कि एविएशन मार्केट में एयर इंडिया की महज 14% हिस्सेदारी है, जबकि 86% उपभोक्ता निजी एयरलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इसे चलाने में भारी भरकम खर्च का कोई तुक नहीं है। आज देश के भीतर 86% लोग, 86% लोग जो सफर कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस पे कर रहे हैं जी। हम एक सरकार की मलकियत की एयरलाइन चलाएं, उसमें 55,000 करोड़ का सरकार ने पैसा दिया हुआ हो, मतलब उस 55,000 करोड़ से हम अस्पताल चलाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाएं, एम्स खोलें, या फिर उस 55,000 करोड़ से एक घाटे में चलने वाली एयरलाइन चलाएं। वित्त मंत्री जेटली जैसा कह रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एयर इंडिया के 55,000 करोड़ में से आधी यानी करीब 27,000 करोड़ की हिस्सेदारी बाजार में बेच दी जाए तो उससे करीब 9 एम्स बन सकते हैं। एक एम्स की लागत अमूमन 3,000 करोड़ आती है। अगर इस पैसे से 5 एम्स बनाए जाएं तो देश में 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा सकती हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने में अमूमन 2,000 करोड़ का खर्च आता है। एयर इंडिया के विनिवेश की चर्चा लंबे समय से चल रही है। एयर इंडिया के बेड़े में 118 विमान हैं, जो 41 अंतर्राष्ट्रीय और 72 घरेलू उड़ानें भरते हैं। एयर इंडिया पर 52,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज है, जबकि इसके पास 26,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। टाटा की होगी एयर इंडिया। एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीदने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी टाटा ग्रुप ने दिखाई है। खबर है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर पिछले हफ्ते इस सिलसिले में एयर इंडिया के अधिकारियों से मिल चुके हैं। टाटा ग्रुप की विस्तारा एयरलाइंस और एयर एशिया में हिस्सेदारी है। इन्हें न सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री में अच्छा खासा अनुभव है, बल्कि टाटा ग्रुप का एयर इंडिया से पुराना नाता भी है। टाटा ग्रुप के जेआरडी टाटा ने 1932 में इसकी शुरुआत की थी। इस वजह से टाटा ग्रुप एयर इंडिया में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।